चंद्रू किधर है? अभी आ जाएगा, रागिनी आएगी तो उसकी खातिरदारी कर लेना, ऐसा कहकर गया है। अंदर आओ। नहीं, मैं यहीं रुकती हूँ। मेरा मतलब बाहर दूसरे लोग देखेंगे तो कोई खतरा हो सकता है। आइए। Help you? मुझसे नाराज हो क्या? हाथ छोड़ो। दास को हराने के लिए हमें सहारा दिया, उसकी कीमत लेने आई हो ना? उसके साथ पुलिस को तुमने खबर दी, उसकी कीमत अब हम आपसे लेंगे। आखिर में तो हमें सब कुछ पता ही चल गया है। तुम यहाँ पर बिल्कुल सही वक्त पर आई हो, इसीलिए पुलिस को ढूंढ रही हो। नो, वो लोग नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आ सकते। कोच्चि ले जाते वक्त उस घायल तारादास के पीछे लगे होंगे सभी पुलिस वाले। मुझे हराने की प्रतिज्ञा लेकर निकले हुए रागिनी, तुम आखिर आज कहाँ पहुंच गई हो? मेरा सर्वनाश देखने की इच्छा में आज तुम एक बात भूल गई हो रागिनी, कि तुम एक लड़की हो, सिर्फ एक लड़की। Thank you.
रुक जाओ। बचाना ही है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं अगर एक बार बोल दूँ तो ये लोग तुम लोगों को समुद्र में फेंक सकते हैं। ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। ये प्यार मुझ जैसे लोगों को कैसे मिल गया तुम्हें पता है क्या? तुम, तुम्हारा डिपार्टमेंट, तुम्हारी ये गवर्नमेंट। मैं समझता हूँ तारा दास, नहीं दास। लोगों का दुख, उनकी तकलीफ जब गवर्नमेंट समझेगी, सिर्फ तभी हम लोग आप जैसे लोगों को पकड़ सकते हैं। और अब आप खुद सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन इसमें से मुझे कोई हक, हिस्सा या क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं जाकर आता हूं। किसी की मदद के बिना खुद के पैरों पर खड़े रहने का रास्ता मैंने तुम्हें बता दिया है। चलता हूं। रागिनी, तुम्हारे रवि को ये लोग सब मिलकर जानवरों की तरह मार रहे थे। मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैंने उसे गोली मार दी। रवि को बचाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे उसे मारना पड़ा। मैं चलता हूं रागिनी। दास सुनो, चलिए